ओडिशा को बात्या विपद नाही एने सूचना देछंती एसआरसी प्रदीप जेना। बात्या ओडिशा उपकूल छुईबार संभावना न थेबा एसआरसी कहिछंती। सामुद्रिक बात्या बुलबुल पारादीप थारु दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिगरे 680 किलोमीटर दूर रे रहिछे। एहा 24 घंटा भितरे भीषण चक्रवातर रूप नेबो। तापरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। भारतीय पाणिपाग बात्या बुलबुल एबे पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश आड़कु मुहाउछे। ओडिशा उपकूल को यह छुईब ना तेरे आसंता कालीठारु उपकूल एवं उत्तर ओडिशा रे वर्षा हेबो। 10 तारीख पर्यंत प्रबल वर्षा हेबो। एही समय रे पवन रो वेग 80-90 किलोमीटर रही पारे। किछि किछि स्थान रे पवन जोगु गच्छ कच्चा घर एवं विद्युत खुंट उपुड़ी पारे। संभाव्य प्रभावित अंचल जिलापाल मानंकु सतर्कता जारी करा जायछे। कृषि विभाग एडवाइजरी अनुसार चाषी माने प्रस्तुत रहिबाकु परामर्श दिया जायछे। 7, 8, 9, 10 तारीख में समुद्र भितर को न जीवा लागि मत्स्यजीवी मानंकु परामर्श दिया जायछे। कारण एही समय रे समुद्र अशांत रहिबो। 8 तारीख माने आसंता काली पुरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में प्रबल वर्षा हेबो। 9 रे बालेश्वर मयूरभंज भद्रक जाजपुर और कटक जिले में प्रबल बर्षिबो। 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे पवन बहिबो। 10 तारीख पर्यंत बात्यार प्रभाव रहिबो। अधिक वर्षा को नजर रखि प्रशासन पक्षरु सेल्टर होम गुड़िक व्यवस्था करा जायछे। आवश्यक पड़िले तळी अंचल लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जिवो। किछि स्थान रे एनडीआरएफ मुतयन करा जिवो। आवश्यक पड़िले उद्धार कार्य रे पुलिस को मध्य नियोजित करा जिवो। एबडे प्रस्तुति नै केन्द्र सह राज्य सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे आलोचना करिछन्ते। प्रधानमंत्री प्रमुख सचिवों सह एसआरसी एवं राज्य गृह सचिव आलोचना करिछन्ते। बात्या बुलबुल ओडिशा रे लैंडफॉल करिवार संभावना सेमिति देखा जाऊना है। ताहा जो कथा आम सकाळु कहितलु जे ताहा पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश मुहरे जाउ मुहिचि। 8 तारीख उपरबल ठारु वर्षा आरंभ हबो। 8-9 दि दिन वर्षा हबो। 10 तारीख बेलकु प्रकोपतार कमि जाइथिबो। जदिओ साधारणतः मीडियम वर्षा हबो तेबे पुरी बालेश्वर पुरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिला मानकरे 8 तारीख दिन हेवी रेनफॉल होबार संभावना अच्छी। एवं 9 तारीख दिन बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर मयूरभंज कटक जाजपुर ए सब जिला गुड़िक हेवी रेनफॉल होबार संभावना अच्छी। बुलबुल बात्या जोगु वर्षार परिमाण अधिक हो पारे एवं विंड स्पीड जोटा 50-60 किलोमीटर बेगर आम कहूँ ता बर्तमान रिवाइज एस्टिमेट अनुसार 80-90 किलोमीटर पर्यंत जाए। तबे भारतीय पाणिपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार एसआरसी जहां सूचना देउछंती बात्या भय ओडिशा को नाही। ओडिशा रे एहा लैंडफॉल करिबो नाही। लैंडफॉल करिबो नाही किंतु एहार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो। उपकूल जिला मानकरे प्रबल वर्षा हेबो। आसंता काली अपराह्न ठारु एहार प्रभाव देखिबाकु मिलिबो। उपकूल जिला गुडीकरे आसंता काली ठारु वर्षा आरंभ होइजिबो। 8 तारीख रे पुरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में प्रबल वर्षा हेबो। 8 तारीख माने आसंता काली पुरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में वर्षा आरंभ होइजिबो। वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। 9 तारीख रे बालेश्वर मयूरभंज भद्रक जाजपुर और कटक जिले में प्रबल वर्षा हेबो। एहा सहित 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे पवन बहिबो। 10 तारीख पर्यंत एही बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे रहिबो। अधिक वर्षा को नजर रखि प्रशासन पक्षरु सेल्टर होम गुड़िक व्यवस्था करा जायछि। आवश्यक पड़िले तळी अंचलर लोकंकु सुरक्षित स्थानकु स्थानांतर करा जिवो। किछि स्थानरे एनडीआरएफ मध्य मुतयन रहिछन्ति। आवश्यक पड़िले उद्धार कार्यरे पुलिस को मध्य नियोजित करा जिवो। जहां सूचना एसआरसी देउछन्ति लोकमानक मध्यरे गोटे प्रकार भय रहितिला एबे बि से भय रहिछि ओडिशा को बात्या पुणी आसुछि कि। एसआरसी सूचना देइछन्ति बात्या बुलबुलर प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो किंतु एहा ओडिशा रे लैंडफॉल करिबो नाही। कारण एहा पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश मुहा हेउछे। तेणु एहा जेहेतु ओडिशा उपकूल देई गति करिबो पारादीप ठारु 140 किलोमीटर दूर रे रहिबो। तेणु एहार प्रभाव ओडिशा उपरे रहिबो। 8, 9, 10 एई 3 दिन ओडिशा उपरे एहार प्रभाव रहिबो। वर्षा अत्यधिक मात्रा रे हेबो। पवनर वेग 70-90 किलोमीटर प्रति घंटे रहिबो। एहार प्रभाव रे कच्चा घर गच्छ इलेक्ट्रिक पोल मध्य भांगिबार सूचना रहिछे। कृषि विभाग एडवाइजरी अनुसार चाषी माने मध्य प्रस्तुत रहिबाकु परामर्श दिया जायछे। आ संभाव्य प्रभावित अंचल जिलापाल मानकु सतर्कता जारी करा जायछे।
तबे संभाव्य बात्या बुलबुल को नहीं आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कौन कहुछंती आसंतु सुनिबा। साइक्लोन बुलबुल रो वर्तमान स्थिति कोठी अछि एवं से ओडिसा उपरे कोन यार प्रभाव रहइबो एवं यार प्रभाव रे जो पवन बहइबो ताकु नेकी लोक मानकु कोन सब सतर्कता अवलंबन करबा रो आवश्यकता रहिछि ए विषय रे डिटेल कथा हेबा पे हम सहित अछंती आईएमडी रे डीजी मृत्युंजय महापात्र सर। सर वर्तमान साइक्लोन बुलबुल रो कोन स्थिति रहिछि आपण कोन आकलन करूछंती आगामी समय रे यार स्थिति कोन रहइबो यार प्रभाव कोन रहइबो। वर्तमान साइक्लोन टी एक साइक्लोन स्टॉर्म भावरे एठारे केंद्रीभूत अछि पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे एहा क्रमशः नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम दिगरे गतिकरा समान रहिछि आसंता 12 घंटा पई तापरे एहा नॉर्दर्ली डायरेक्शन अर्थात उत्तर दिगरे गति करिवो 9 तारिख सकाळ पर्यंत तापरे एहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रे उत्तर पूर्व दिगरे गति करिवो एवं 10 तारिख संध्या बेळकु एहा वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश उपकूल पाखरे पहुंचिबो एवं जदि आपण देखिबे एहा ओडिसा उपकूल अतिक्रम करू नाही एवं 9 तारीख दिन दीपर समय रे एहा ओडिसा उपकूल रो सबुटु क्लोजेस्ट बा सबुटु निकटतर हेबार संभावना रहिछि एवं सेतेबेले पारादीप एवं चांदबाली पाखरु एहार दूरता पाखापाखि 150 किलोमीटर हे पारे एहार प्रभाव रे काली सकाळ ठारु ओडिसा निकटस्थ जो समुद्र रहिछि ताहा अशांत रहिबो सेठारे पवन रो वेग 40 रु 50 किलोमीटर प्रति घंटा हे पारे एवं जतेबेले धीरे धीरे उत्तर आड़क गति कर सेतेबाला पवन बेग धीरे धीरे बढ़ 9 तारीख सका 55 रु 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो गोष्ठीनेस 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाए और सबुठ अधिका पवन 70 रु 80 किलोमीटर प्रति घंटा और गोष्ठीनेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आम अनुमान करुँ केवल उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती जो जिला मान रही पाखे जो समुद्र रही है सहीटा हे अर्थात भद्रक बालेश्वर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा यही चारिटी जिले में सबुठ अधिक पवन 70 रु 80 किलोमीटर प्रति घंटा और गोष्ठीनेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे समान रही है से ही पवनटी 9 तारीख दिन दीपर संध्या जाए से ही समय प्रवाहित होवार आकलन करुचु या सहित जो वर्षा आम अनुमान करुचु वर्षा काली उपरवली उपकूलवर्ती जिला मानक विशेषतः जगत सिंहपुर और केन्द्रापड़ा ये दुईट जिले में आम जस्ट कहाँ भाँ हेवी रेनफॉल मध्य 8 तारीख रे आमे अनुमान करुचु नहले अन्य सब जिला मानकर केवल लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अर्थात स्वल्प रु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि 9 तारीख रे वर्षार परिमाण बढ़िबो सरकारक तरफरु समस्त प्रकार प्रिपेरेटिव मेजर्स मध्य निया जायछि एवं प्रति 3 घंटा रे थरे आईएमडी तरफरु मध्य सूचना दिया जाउछि जे निजकु निरापद रे रखंतु एवं जो माने मत्स्यजीवी भाई माने समुद्र भितरकु जाइछन्ती से माने यथाशीघ्र समुद्र रु फेरी आसिबार आवश्यकता रहिछि। न्यू दिल्ली रु कैमरामैन मुक्तिकांत सहित शबनम अदिनी न्यूज 7।